गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल रीड चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज विंडोज 7। डियर चिल्ड्रेन, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन विंडोज 7, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस क्लास यू विल गो डीपर एंड लर्न सम मोर अबाउट विंडोज 7। यानी क्या बताया, प्रीवियस क्लास में आपने विंडोज 7 के बारे में पढ़ा था कि उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, और इस चैप्टर में भी विंडोज 7 ही है और उसके बारे में आप क्या करेंगे, मोर डिटेल यानी और ज़्यादा डिटेल जानेंगे। देखिए विंडोज 7, विंडोज 7 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज UI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट फॉर द यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। यह क्या है, एक रिसेंट वर्जन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। यह कैसा है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और किसके लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। एज वी हैव लर्नड प्रीवियसली दैट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेट्स एवरी पार्ट्स ऑफ इट। यानी जो विंडोज 7 है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द मेन फंक्शन ऑफ विंडोज 7 इज टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर। विंडोज 7 का मेन फंक्शन क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना, जैसे बूटिंग द कंप्यूटर। डू यू नो, विंडोज 7 वॉज रिलीज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑन July 22। विंडोज 7 कब रिलीज हुआ था, 22 July 2009 में, एंड जनरल रिटेल अवेलेबिलिटी वॉज ऑन October 22, 2009। नो दिस टू, बिल गेट्स इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। यानी जो बिल गेट्स थे वो क्या थे, सबसे बड़े अमीर आदमी थे और किसके मालिक थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। नेक्स्ट है देखिए, स्टार्टिंग विंडोज 7, द वेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, द कंप्यूटर स्टार्ट सम प्रोसेसिंग एंड आफ्टर सम टाइम अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। दे यू मे बी आस्क टू गिव द पासवर्ड एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड यू विल गेट अ स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप एज सोन इन ऑन द राइट। यानी जब स्टार्ट करते हो तो एक बूटिंग टाइप का स्क्रीन ओपन होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, और इसमें अगर पासवर्ड लगा रहता है कंप्यूटर में तो वो पासवर्ड मांगता है। यानी मोबाइल की तरह जैसे आप पासवर्ड लगा के ही ओपन करते हो, वैसे ही उसका सिस्टम है कि उसमें भी क्या करेंगे, पासवर्ड लगा के ही उसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट है देखिए विंडोज 7 स्क्रीन। विंडोज 7 स्क्रीन में आप देखिए क्या क्या देखेंगे। विंडोज 7 स्क्रीन हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर एज़ फॉलोज। देखिए आइकॉन हो गया, जो छोटे छोटे इमेज बने होते हैं ना डेस्कटॉप पे, उसे क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। ये क्या है, डेस्कटॉप एरिया है पूरा। ये माउस पॉइंटर, जो एरो की तरह चलता है वो क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है। नेक्स्ट है देखिए स्टार्ट बटन। ये क्या है, स्टार्ट बटन है, ये नीचे का सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डेट और टाइम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इट इज द स्क्रीन वेयर यू कैन सी योर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट। यानी जो कंप्यूटर ऑन करने में पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आइकॉन, द स्मॉल पिक्चर यू सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। दिस डिवाइस आर यूज टू ओपन डिफरेंट प्रोग्राम फाइल एंड फोल्डर। यू कैन ओपन एनी आइकॉन बाई डबल क्लिकिंग ऑन द ऑन इट विच द माउस। यानी डेस्कटॉप पे जो आइकॉन बना रहता है उस पर भी डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। माउस पॉइंटर, द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउस इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। ये छोटा सा एरो माउस के अकॉर्डिंग जो मूव करता है, स्क्रॉल करता है, उसे क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। टास्क बार, यू कैन सी द लॉन्ग कंट्रोलर फॉर बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कॉल्ड टास्क बार। इट कंटेंस स्टार्ट बटन, क्लॉक एंड क्विक प्लेस टू फाइंड द प्रोग्राम यू हैव ओपेंड। यानी यहाँ पे नीचे आपके टास्क बार में क्या दिखाता है,
जो जो प्रोग्राम आर ओपन किए हैं वो सारे प्रोग्राम कहाँ दिखाएंगे? आपके टास्क बार में दिखाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। द राउंड शेप्ड बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इज स्टार्ट बटन। इट इज़ द मोस्ट यूजेबल पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। यह क्या है? डेस्कटॉप का सबसे यूजेबल पार्ट है। क्लॉक ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार इज अ क्लॉक शोइंग द करेंट डेट एंड टाइम। राइट कॉर्नर में देखा होगा आपने जहाँ बैटरी का होता है वहीं पे टाइम और डेट का व्यू क्लॉक का होता है। एक्सप्लोरिंग स्टार्ट मेन्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी अ मेन्यू लिस्ट ओपन कॉल स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू इज द मेन गेटवे ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम फोल्डर्स एंड सेटिंग। क्या है ये? गेटवे का काम करता है। टू ओपन स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कैसे करें? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देखिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है, रिस्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। स्टार्ट मेन्यू क्या हो जाएगा? आपका अपीयर हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू इज कॉल्ड द मेन्यू बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ चॉइस जस्ट एज रेस्टोरेंट मेन्यू डज। यू कैन यूज स्टार्ट मेन्यू टू डू दिस कॉमन एक्टिविटी। स्टार्ट प्रोग्राम यूज कॉमनली यूज फोल्डर ओपन कॉमनली सर्च फॉर फाइल एंड फोल्डर एंड प्रोग्राम एडजस्ट कंप्यूटर गेटिंग हेल्प विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टर्न ऑफ द कंप्यूटर लॉग ऑफ फ्रॉम विंडोज और स्विच टू द डिफरेंट यूजर अकाउंट। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेशन के थ्रू कॉमन एक्टिविटी हैं ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस विंडो की ऑन द कीबोर्ड टू ओपन दिस स्टार्ट मेन्यू। ये सारे स्टार्ट मेन्यू जो जो हैं आप उसको कंप्यूटर से भी आप क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ओके ये चैप्टर का पार्ट वन था। पार्ट टू और चैप्टर थ्री की क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टर्म में आपको सेंड करेंगे। ओके थैंक यू।